Hi, good morning guys. Welcome to the brand new blog of Live to Ride channel. So ये एक मोटो ब्लॉग तो नहीं है एक्चुअली. मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ दिल्ली टू आगरा बाय ट्रेन. बाइक से नहीं जा रहा हूँ बिकॉज बाइक के लिए बाहर इतना सारा मतलब क्या होता है ना, फॉग वगैरह हो रहा है. तो फिर हमारे घर से एक फरमान आया था कि भैया बाइक से नहीं आना है, ट्रेन से आना है अगर आपको आना है तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं मत आओ. मेरा मन था बाइक से जाने का, मोटो ब्लॉग बनाते हुए अच्छे से जाते, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया. नेक्स्ट टाइम देखते हैं, बाइक से ट्रैवल ही करेंगे अभी तो. अभी ये छोटा सा ब्लॉग है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ. सो अभी टाइम हो रहा है 3 बजे, 3:30 बजे हैं ऑलमोस्ट, 3:40 हो रही है. तो अभी हम निकलेंगे 6 बजे, 6 बजे की ट्रेन है न्यू दिल्ली से. तो वहाँ से निकलेंगे भोपाल शताब्दी से, फिर वो 1 घंटा 50 मिनट समथिंग लेगी कुछ आने का. 1 घंटा 50 मिनट में हम आगरा पहुँच जाएंगे और वीडियो बनाएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो होगी काफ़ी, बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे इसमें आपको. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल वाले घंटे को जब दबा देना, घंटा जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और ये फर्स्ट ब्लॉग है सो सपोर्ट करना गाइस. ओके तो अभी फिलहाल हम देखते हैं बाहर का क्या सीन है, बाहर कैसी ठंड पड़ रही है दिल्ली में, ये देखते हैं. लेट्स गो, बाहर देखते हैं कैसी ठंड पड़ रही है. वैसे इसमें ना वॉइस थोड़ा इशू आएगा क्योंकि मैंने ना माइक यूज़ नहीं किया है इसमें, तो वॉइस का थोड़ा सा इशू आएगा. नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है. बाहर इतनी ठंड है नहीं आज, एकदम नॉर्मल. कल वैसे 3 दिन से ज़्यादा ठंड पड़ नहीं रही है, फॉग ही नहीं है. लेकिन अब घर वालों को कैसे समझाया जाए कि फॉग नहीं, हम बाइक से आ सकते हैं. सो अभी बस 4:30 बजे कैब आ जाएगी, फिर वहाँ से हम आपको मिलते हैं आगे. ओके तब तक के लिए बाय बाय. हाँ जी, तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से. अरे यार इतना अंधेरा क्यों यहाँ पे, अरे पार्किंग में इतना अंधेरा है. ओके ये ओके ये खड़ी अपनी धंधो. बताओ यार कमेंट करके कैसा लग रहा है. एकदम बाहर तो एकदम अंधेरा है, इसमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, कैमरा तो एकदम. ओह कितना गोरा दिख रहा हूँ. हाँ जी, तो फाइनली हम निकल चुके घर से और ये सब इसकी वजह से हम लेट हुए हैं. मैं 4:30 पे निकलना था लेकिन अभी ऑलमोस्ट टाइम कितना हो गया है, 4:42, 12 मिनट लेट. और 12 मिनट से वो कैब वाला भी बाहर वेट कर रहा है, हमारा ओला वाला भाई बाहर वेट कर रहा है. और इसको अभी भी ये देखो कितनी मस्ती में चल रहा है. अरे ये बंदा ऐसा नहीं लग रहा जैसे 15-20 दिन के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन ये बस 2 दिन के लिए जा रहा है बाहर. और 2 दिन के लिए इतना बड़ा बैग लेके जा रहा है, देखो हद है यार. ऐसे कौन करता है, कौन करता है बोल दी वैसे. ओके एकदम अंधेरा अंधेरा हो रखा है भाई. ठंड एकदम कम हो गई है, बस ठंडी ठंडी हवा चलनी है और ठंड तो एकदम कम हो गई है. अब देखो मेरी, अरे यार ये तो अंधेरा ही दिख रहा है यहाँ पूरा. इसमें अभी पूरा सेटअप हुआ नहीं है गोप्रो का, जब पूरा सेटअप हो जाएगा ना जब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा. मतलब अभी थोड़ा सा इसमें माइक का इशू है, आवाज़ हो सकती थोड़ी सी कम ज़्यादा हो क्योंकि माइक का इसमें अभी इशू है. माइक मैंने जो लगाया था उसमें वॉइस नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे. ओके बाकी आप देख सकते हो, अगर थोड़ी सी भी लाइट पड़ रही है वहाँ दिखाता हूँ. एकदम मतलब सोया नहीं हूँ मैं. एक तो इसने रात में लेट कर दिया था काफ़ी मुझे सोने के लिए, रात का 1 बज गया था सोने के लिए और 6 बजे की ट्रेन है तो उसके लिए भी जल्दी से उठना पड़ा. आँखें देखो एकदम ऐसी हो रही ना, लग रहा मैं सोया नहीं हूँ, गोरा काफ़ी दिख रहा हूँ इसमें. जय हो प्रभु, जय हो प्रभु. और अब कैब वाले भैया कहाँ हैं, मैं ढूंढता हूँ. क्या कर रहा है, क्यों इतना हल्ला मचाते हुए आ रहा है, आराम आराम से आ जा. हमने भारी कैब वाले भैया को ना मैंने भारी बुला लिया था. मैंने बोला भारी रुको क्योंकि ना अंदर आते तो फिर टाइम लगता है ना गली वली में देखने में. आई थिंक हमारी कैब यही है, मैं देख लेता हूँ एक बार. इसमें अंदर लाइट नहीं जल रही तो मैं फ्लैश चला के ही इसमें करना पड़ रहा है क्योंकि गोप्रो में
भाई थोड़ा बड़ा हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी टाइम कितना हो रहा है, 5 बजने वाले हैं और ट्रेन हमारी 6 बजे की है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं लेकिन अभी टाइम से पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां जाके थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट कर लेंगे। गाड़ी की चाबी घर छोड़ी है ना बाइक की? हाँ बाइक की चाबी मैंने घर छोड़ दिया, अपनी धन्नो की चाबी। वैसे मेरा मन तो बाइक से जाने का था लेकिन अभी आज एकदम मौसम साफ है, लेकिन घर वालों को कौन समझाएगी, फॉग वगैरह नहीं है, है ना, तो इसलिए फिर बाइक से प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे हम बाइक से ही जाएंगे और बहुत जल्दी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि सारी वीडियोज़ जो इस चैनल पर पोस्ट होंगी मोटो ब्लॉग वाली पोस्ट होंगी, ये भी आते रहेंगे, थोड़ी बहुत वीडियोज़ डालते रहेंगे हम अब बहुत जल्दी। नहीं क्या बोलने को, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये इस बंदे में बीमारी है रील्स ऐसे घुमाने की, होती है ना बैठ के बस रील्स देखते रहना, रील्स देखते रहना। ओके तो फिर मिलते हैं, अभी पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन, उससे आगे इसमें वॉइस थोड़ा इशू आएगा क्योंकि माइक चल नहीं रहा है, मैंने माइक लगा के देख लिया चल नहीं रहा है माइक, वॉइस का थोड़ा इशू आएगा। क्या हो गया तेरे को? इधर से आ, इधर से। अभी हमारी ट्रेन है 6 बजे की और अभी ऑलमोस्ट उसमें टाइम है 5:17 हो रही हैं, काफ़ी टाइम है अभी तो, आराम से ट्रेन पर वॉशरूम चलते हैं जब तक, फिर आराम से वेट करेंगे उधर वेटिंग एरिया में। बाकी जैसे ट्रेन आती है 2-4 वीडियो ज़रूर शूट करूँगा मैं, 2-4 वीडियो शूट करने के बाद में अभी नहीं हमारे साथ खुली है ना गुलदीप, हमारे साथ ऊपर हो गया, जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहाड़गंज साइड, और उस बंदे ने हमारा ना ऊपर कर दिया, मेरे को पता कहाँ उतार दिया उसने, अजमेरी गेट साइड। क्या हो गया तुझे? अभी जिस कैब से मैं आया था उसने हमें गलत जगह उतार दिया, मेरे को उतरना था पहाड़गंज साइड में और उसने हमें अजमेरी गेट में उतारा था, काफ़ी चलना पड़ा वहाँ से, वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म था और मुझे आना था 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो कि मेरी ट्रेन है भोपाल शताब्दी है वो यहाँ से जाएगी, तो काफ़ी चलना पड़ा। अगर आप कभी आ रहे हो और भोपाल शताब्दी मॉर्निंग में 6 बजे से यहाँ से निकलती है, अगर उसके लिए तो हमेशा से आपको ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आना है जो कि पहाड़गंज साइड में है। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी भाई को मैं बहुत देर से टॉयलेट ढूंढ रहा हूँ, टॉयलेट कहीं मिले तो, क्योंकि इसको रुका नहीं जा रहा है, अभी कुछ टाइम में मिल जाएगी कहीं ना कहीं टॉयलेट, वेट फॉर अ मिनट। तेरे को इसमें बिठा के घुमा दूँ एक बार, सुनाओ यार, ऐसे लगता है जैसे बहुत अजीब लगता है, लोगों को लगता है पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अजीब तरीके से घूरते हो रहे हैं, मुझे लगा ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है लेकिन इसको ये नहीं पता जाना कहाँ मैं। अरे तू किधर खो जाता रे बाबा, चल इधर, अपन का इधर नहीं है रे बाबा, मेरे को टॉयलेट जाना है, मैं टॉयलेट ढूंढ के आया है, आजा। यहाँ कहाँ हमारी गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म पे आई? अरे हाँ प्लेटफॉर्म में एक भी तो आएगी यार, ये बहुत बड़े बाबा हैं, इन्होंने बोल दिया ना आज तुम्हारा देखो मतलब तेरे बाद ना भाई माल बच गया, लक्ष्मी आ जाती भाई हमारा, बोल दिया मजा आ गया। नहीं सच में ब्रो देखना अभी सारी चीज़ें ना और ऑर्डर कर लेते सब खत्म हो जाएगा है ना, श्री श्री 108 कुलदीप बाबा की जय हो। कुलदीप चल आ जा, बैग हटा ले अंदर बैठेंगे।
नमस्कार, भारतीय रेलगाड़ी संख्या ट्रेन चल चुकी है। सभी यात्रियों का स्वागत करती है। हाँ जी, तो उस टाइम मैंने ट्रेन में जब एंटर करे तो वीडियो नहीं बना पाया था रेलवे स्टेशन से वहाँ तक, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं यहाँ से, 6 बजे ट्रेन निकल गई है और 6:27 हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। और अब नेक्स्ट स्टॉपेज जो है इसका वो है मथुरा, दिन मथुरा से आगरा, और हमें आगरा कैंट करना है। सो अभी तो मेरे को बहुत तेज़ आ रही है नींद, क्योंकि आप मेरी आँखें देख के अंदाज़ा लगा सकते हो रात में भाई, मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, कोल्ड हो गया था तो मुझे लग रहा था तबीयत जैसे मेरी ख़राब होती जा रही है। मैंने एक बार तो प्लान कैंसिल करने का सोचा था, बट नहीं, क्योंकि जाना था अर्जेंट। मैं कहा नहीं, प्लान कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा था, और ऊपर से मेरी आँखें देखो 1 बजे नींद आई थी और 3 बजे मेरी नींद खुल गई। सो अभी आगरा पहुँच के फिर हम वहाँ में थोड़ा सा। हाँ जी, तो अभी ट्रेन अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 6:46, तो मतलब 46 मिनट हो चुके हैं हमें दिल्ली से निकले हुए। और अभी बाहर इतना मतलब अंधेरा है तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन सा स्टेशन था लास्ट जो ट्रेन ने क्रॉस किया वो, लेकिन मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और अभी ये भी है चाय लेके आते हैं, आओ अब हम बस ये चाय तो देता हूँ, उसके बाद में थोड़ी सी बातें करते हैं क्या एक्सपीरियंस है शताब्दी का, क्या डिफरेंस शताब्दी में और गतिमान में। क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम गतिमान से आया था तो मुझे बेटर लगा कि गतिमान ज़्यादा बेटर है, उसका चार्ज भी ज़्यादा है। पहले चाय ख़त्म करते हैं फिर बात करते हैं। अब आए मैरी बिस्किट एंड इसमें चाय हो गई थी यार, थोड़ा सा ये बॉर्डर पर बाहर नीचे गिर गया मेरे से पूरा हाथ, तो मैंने ऐसे चिकना चिकना हो गया। चाय टेस्ट करते हैं देन फिर बात।